बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और प्रॉब्लम जिसमें डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी अप्लाई की जा सकती है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो हमने मैट्रिक क्लासेस में पढ़ा है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो उसका सिंपलेस्ट सॉल्यूशन ये हमारे पास मौजूद है। हम पहले रॉस के ऊपर जो है हमने लूप लगाया, फिर कॉलम के ऊपर लूप लगाया और फिर पहले एलिमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम जो है पहले मैट्रिक्स की पहली रॉ लेते हैं और पहले दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम लेते हैं, उनको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास पहली एंट्री निकल आती है। फिर दूसरे एलिमेंट को कैलकुलेट करने के लिए दूसरी रॉ लेते हैं, तीसरे एलिमेंट को कैलकुलेट करने के लिए तीसरी रॉ लेते हैं और इस तरीके से हम जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। तो अगर मैं इसको डेमोंस्ट्रेट करूँ आपको, तो इस तरीके से अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है, तो हम ये रॉ लेते हैं और इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होता है तो ये पहली वैल्यू निकल आती है। फिर हम ये वाली रॉ लेते हैं, ये वाला कॉलम लेते हैं तो फिर ये वाली वैल्यू निकल के आती है। फिर हम तीसरी रॉ लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये वाली वैल्यू। फिर हम पहली रॉ को लेके दूसरे कॉलम से, पहली रॉ लिया हमने और दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये वाली एंट्री निकल कर आएगी और इस तरीके से सारी एंट्रीज हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये एल्गोरिथम अगर हम देखें तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन क्यूब है। क्या हम स्ट्रेसेंस एल्गोरिथम जो हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसके थ्रू हम इस टाइम को थोड़ा सा कम कर सकते हैं? अभी हम देखेंगे कि डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी लगा के हम स्ट्रेसेंस एल्गोरिथम के थ्रू लॉग 7 एन रेज टू पावर लॉग 7 कॉम्प्लेक्सिटी में ये काम हम परफॉर्म कर सकते हैं।